स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे इसके बारे में, नहीं इसके बारे में, ट्रैक पैड, टच पैड के बारे में। अब जो लोग पीसी के यूज़र हैं वो लोग इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, या जो मैं जेस्टर्स बताऊंगा जैसे कि फोर फिंगर या ऐसा कुछ, तो अगर आप चार माउस लगा सकते हो अपने सीपीयू में तो अलग की बात है, वरना तो कोई मतलब नहीं है इस वीडियो को देख के आपका, आप जा सकते हैं। सो जो लैपटॉप यूज़र्स हैं मैं उनको बता देता हूँ पहले ही कि इसके लिए डिपेंड करते हैं जेस्चर्स आपके ड्राइवर पे। अगर माइक्रोसॉफ्ट के कुछ ड्राइवर्स होते हैं विंडोज़ के वो हैं तो जेस्चर्स थोड़ा अलग हो सकते हैं, सिनेप्टिक्स के हैं तो थोड़ा अलग हो सकते हैं, डिपेंड करता है अलग अलग जो भी है वो उन पे। मेरे शायद से माइक्रोसॉफ्ट के ही हैं, सिनेप्टिक्स के तो नहीं होंगे, मुझे एक्चुअल नहीं पता, मेरे को याद नहीं है एक्चुअल में। खैर खैर बढ़ते हैं जेस्चर्स की तरफ। पहला जेस्चर्स जो हम एक उंगली से करते हैं जितने भी, वो हैं, पहला तो एक तो आप एक फिंगर जो घुमा लेते हो जिससे आपका कर्सर घूमता है वो है, ये दिख रहा होगा आपको ये नाचता हुआ। एक फिंगर से अगर आप घुमाओगे तो कुछ नहीं होगा, सिंगल टैप करोगे तो जो भी आपके फाइल है वो सिलेक्ट हो जाएगी और कुछ नहीं होगा, डबल टैप करके ड्रैग करोगे तो आपकी जो भी फाइल है वो ड्रैग हो जाएगी अगर आपको कोई फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करनी हो तो उसके लिए। और इसके अलावा सिंगल एक फिंगर से और कोई जेस्चर नहीं है इसके अलावा, ये जो दो जेस्चर थे, दो क्या था, एक ही था, एक तो नॉर्मल टास्क होता है। खैर जो भी था, इन दो के अलावा और कुछ नहीं है एक फिंगर से। रही बात दो फिंगर की, तो अगर आप दो फिंगर को सिर्फ टैप करोगे तो आपका खुलेगा ये राइट क्लिक, रिफ्रेश पर जो भी करना हो राइट क्लिक हो जाएगा, या मान लो किसी फाइल को सिलेक्ट करके राइट डबल टैप करोगे तो उसका राइट क्लिक खुल जाएगा। ये होता है एक दो फिंगर से। दूसरा जो होता है उसके लिए मैं ये खोल देता हूँ फिलहाल के लिए जिससे आपको बता सकूँ। विंडो स्टोर, हाँ, तो दो फिंगर से आपको ऊपर की तरफ स्वाइप करना है जिससे कि आपका पेज डाउन हो, मतलब पेज नीचे आने लग जाएगा, और वापस नीचे करोगे तो ऊपर आ जाएगा। बस दो फिंगर से भी ये दो ही जेस्टर्स हैं, इसके अलावा और कोई जेस्टर दो फिंगर से नहीं है। अब बारी आती है तीन फिंगर की, तो जैसे ही आप तीन फिंगर को टैप करोगे सीधा सिर्फ टैप, तो खुलेगा आपका कॉर्टाना या सर्च या जो भी आप बोलना चाहो वो, ये खुलता है, हाँ ये खुलता है थ्री टैप से, थ्री फिंगर टैप से। और इसके अलावा अगर आप थ्री फिंगर से स्वाइप करते हो तो अगर आपके कुछ चीज़ें खुली हुई हैं जैसे कि एग्जांपल में मैं कुछ खोल लेता हूँ, विंडो स्टोर खोल लिया, फायरफॉक्स एक्सप्लोरर खोल लिया, तो जब आप थ्री फिंगर स्वाइप करोगे तो आप ये टास्क चेंज कर सकते हो। जैसे मैं बता देख रहा हूँ, ये देखो थ्री फिंगर स्वाइप करोगे तो ये होगा, अगर आपको फटाफट स्वाइप करना है टास्क के लिए, क्या कहते हैं इसे, टास्क मैनेजर नहीं, जो भी है जो भी कहते हैं इसको वो कर सकते हो आप। और मान लो थ्री फिंगर डाउन की तरफ स्वाइप करोगे नीचे की तरफ, तो जो भी सब चल रहा है वो सब मिनिमाइज हो जाएगा, सब कुछ, भले वो गेम चल रहा हो कुछ भी चल रहा हो और मिनिमाइज हो जाएगा। और मान लो थ्री फिंगर अप करोगे तो जो भी सब खुले हैं वो सारे खुल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो वो भी खुला हुआ है और ये भी खुला हुआ है। बस थ्री फिंगर से ये तीन चार जेस्चर्स हैं और कुछ भी नहीं है, वैसे इतने भी बहुत होते हैं। और रही बात फोर फिंगर्स की, तो अगर आप फोर फिंगर्स को सिर्फ टैप करोगे तो ये आएगा एक्शन सेंटर जिसको आप बोलते हो, फोर फिंगर्स पे एक्शन सेंटर आएगा। और मान लो अगर आप फोर फिंगर्स को अप करोगे तो ये खुलेगा, ये विंडो लॉक टैप दबाने पे भी खुलता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो डेस्कटॉप है ये दो क्रिएट करके रखे हमेशा, ज़्यादातर लोगों के इसमें ये होता है, अगर आपका विंडोज 10 है तो उसमें तो होगा ही है। फोर फिंगर्स से इसका कुछ फ़ायदा है मैं बताता हूँ उसके बारे में। खैर
आप एक डेस्कटॉप हमेशा स्पेयर में ओपन करके रखें, जैसे कि वन डेस्कटॉप तो रहता ही है और क्रिएट न्यू डेस्कटॉप जैसे दो डेस्कटॉप क्रिएटेड रहें। इसके फ़ायदे हैं बताता हूँ, 2 सेकंड रुको, मेरे को और कुछ बताना था। हाँ, ये विंडोज 10 का फीचर है और किसी विंडोज़ में नहीं। खैर, आते हैं वापस पॉइंट पे। 4 फिंगर से एक जेस्चर आखिरी जेस्चर है जिसका मैंने डेस्कटॉप क्रिएट करवाया, वो इसलिए था, अगर आप देखोगे नीचे तो मैं जो भी तो टास्क हैं, जैसे कि ये एक्सप्लोरर खुला हुआ है और ये स्टोर खुला हुआ है, तो ये आपको थोड़ा सा नीचे कॉर्नर में देखेंगे कि हाँ ये खुले हुए हैं, लेकिन जब आप 4 फिंगर स्वाइप करके दूसरा डेस्कटॉप पर चल जाओगे, ये दूसरा डेस्कटॉप है, ये वो डेस्कटॉप नहीं है, ये दूसरा डेस्कटॉप है। आप जितना डेस्कटॉप क्रिएट करोगे उतने बार आप 4 फिंगर स्वाइप करके जा सकते हो, ये देखो 4 फिंगर। तो जब आप जाओगे दूसरे डेस्कटॉप पे तो आप देखोगे कि वहाँ पे ये सब क्लोज्ड हैं, ये वहाँ पे आपको दिखाएगा नहीं। मल्टीटास्किंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा। और मान लो अगर आप कोई ऐसी चीज़ चला रहे हो जो आपको लगता है कि अगर कोई आए तो मैं एकदम से छुपा लूँ, तो उस ज़्यादा लोग क्या करते हैं उसका फ्लैप बंद कर देते हैं, तो उससे बेटर है कि आप ये 4 फिंगर का कर लें। जैसे ही कोई आए 4 फिंगर स्वाइप, ख़त्म, कुछ भी नहीं दिखेगा उसको। तो बस आज के लिए इतना ही, और कोई जेस्चर्स नहीं है, 5 फिंगर से कुछ नहीं होता, ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर चुका हूँ 100 बार। और ये ट्रैक पैड पर डिपेंड करता है, कि जैसे मेरा ट्रैक पैड अगर आप देखोगे तो एकदम बड़ा झकास नया स्टाइलिश दिख रहा होगा आपको, और अगर आपके पास कोई पुराना लैपटॉप है तो उसमें इतने इतने से ट्रैक पैड होते हैं कई लैपटॉप्स में। सो अगर आपका ट्रैक पैड थोड़ा पुराना है या ऐसा कुछ है तो कोई मतलब नहीं है उस पर जैसे ट्राई करने का, एक आधे जैसे सपोर्ट करता होगा वो ज़्यादा कुछ नहीं करता होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, वैसे भी बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, 7 मिनट का वीडियो हो चुका है। फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।